हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है 25th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर का इंतज़ार कर रहे थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कवर करो सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कवर करो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तड़पनी सोके सोके तड़पनी है। सोके सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे ये मोटिवेशनल कोट, नथिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रोकन मैन रिबिल्डिंग हिमसेल्फ, वाह। राइट? सो ये एकदम नोटबुक के टॉप पे लिखेंगे और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। खैर यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हो, देन परचेज ऑर्डर सेंड करते हो टू द वेंडर, देन वेंडर क्या करता है, गुड्स को लेके आता है आपके प्लांट पे, देन या फिर डिलीवरी एड्रेस पे। तो आप क्या करते हो, गुड्स को रिसीव करते हो। तो जब आप वेंडर्स से गुड्स को ले लेते हो तो अपने SAP सिस्टम पर गुड्स रिसीप्ट जो है क्रिएट करते हो, राइट? यूजिंग टी कोड माइको। देन अगर अगर आपका मटेरियल प्रॉपर नहीं होता एज पर योर क्वालिटी, अगर मटेरियल ओके नहीं होता तो आप रिटर्न डिलीवरी करते हो। सो हम देखेंगे रिटर्न डिलीवरी कैसे करते हैं, लाइक स्टॉक ट्रांसफर, लाइक यू हैव टू प्लांट्स या फिर यू हैव टू और थ्री स्टोरेज लोकेशन, लेकिन आपके पास एक प्लांट या एक स्टोरेज लोकेशन में तो स्टॉक पड़ा हुआ है मटेरियल का, लेकिन आपको सेकेंड प्लांट में उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो। देन गुड इशू। गुड इशू क्या होता है? जैसे कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्शन कंपनी है, देन उसके अंदर एक परचेसिंग डिपार्टमेंट होंगे और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे। तो जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की नीड होती है तो वो परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास आते हैं, एंड देन परचेसिंग डिपार्टमेंट विल डू व्हाट, वो गुड्स को इशू करते हैं, राइट? देन दीज गुड्स फिर उन गुड्स को और मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन पर्पस यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देन वी विल सी द फिजिकल इन्वेंट्री। तो ये सारे हम सारे टॉपिक्स देखेंगे वन बाय वन, राइट? चलो चलते हैं अपने SAP ERP पे। गिव यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एंटर। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं मटेरियल यूजिंग टी कोड MM01। एंटर। 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 गिव अ वैल्यूएशन क्लास फॉर रॉ मटेरियल्स 3000। मूविंग प्राइस हम ले लेते हैं
₹10। एंटर। यस, तो हमने मटेरियल क्रिएट कर लिया, इन्वेंटरी मटेरियल टू। अब हम क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर यूजिंग टी कोड ME21N। एंटर। राइट, तो वेंडर देते हैं, इन हेडर टैब ऑर्ग डेटा एंटर करते हैं एज ए मैंडेटरी डेटा, मटेरियल, राइट, क्वांटिटी ऑर्डर कर लेते हैं 100 एंड प्राइस ले लेते हैं ₹10, करेंसी INR, प्लांट इज KL01, स्टोरेज लोकेशन KS01, राइट। नाउ चेक, नो मैसेज इश्यू ड्यूरिंग चेक, सेव। सो हमने क्रिएट कर लिया परचेज ऑर्डर, हम इसको नोट पैड पे सेव कर लेते हैं। राइट, अब हम करेंगे गुड्स रिसिप्ट। तो गुड्स रिसिप्ट के लिए टी कोड होता है माई गो, MIGO, कुछ लोग इसको मेगो भी कहते हैं, मेगो। राइट, तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है गुड्स रिसिप्ट एंड इन परचेज ऑर्डर आपको देना है परचेज ऑर्डर नंबर, राइट। एंड मेक श्योर ये है मूवमेंट टाइप, सो फॉर गुड्स रिसिप्ट मूवमेंट टाइप इज 101। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किसके लिए क्या मूवमेंट टाइप होता है। मूवमेंट टाइप से क्या होता है, लाइक जैसे कि हमने 101 लिया, ये स्टैंडर्ड होता है फॉर गुड्स रिसिप्ट, हमेशा हम 101 लेंगे मूवमेंट टाइप। तो क्या होता है कि सिस्टम जो है अंडरस्टैंड कर लेगा कि यू आर डूइंग अ गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। जब आप मूवमेंट टाइप 101 लेते हो देन सिस्टम विल इजीली अंडरस्टैंड दैट कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स रिसिप्ट कर रहे हो अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, राइट। सो मूवमेंट टाइप इंडिकेट्स द बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट यू आर डूइंग, लाइक 101 इज फॉर गुड्स रिसिप्ट, राइट। ऐसे 102, 103 मूवमेंट टाइप होते हैं जिनको हम आगे क्लासेस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो ये मूवमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ऑब्जर्व करना होता है कि जब आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक अभी हम गुड्स रिसिप्ट कर रहे थे, अगर आप रिटर्न डिलीवरी कर रहे हो देन इट्स मूवमेंट टाइप इज डिफरेंट, राइट। कैंसिलेशन का मूवमेंट टाइप है 102। सो इन दैट वे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स टाइप होते हैं। सो अभी हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर आपको टैब्स हैं, डिफरेंट टैब्स आर देयर, लाइक मटेरियल, क्वांटिटी, वेयर, परचेज ऑर्डर डेटा, पार्टनर। सो इन मटेरियल टैब क्या होता है, मटेरियल होता है इसका डिस्क्रिप्शन, मेटेरियल ग्रुप, राइट। इन क्वांटिटी, जैसे 100 हमने क्वांटिटी के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, तो यहाँ पर हम गुड्स रिसीव्ड अगर 100 कर रहे हैं, लाइक वेंडर अगर 100 क्वांटिटी के साथ हमारे पास आया है तो हम यहाँ पर 100 लेंगे। लेट सपोज कि अगर वेंडर 60 क्वांटिटी के लिए साथ आया है या 50 क्वांटिटी के साथ आया, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी के प्लेस पे 50 या 60, वट एवर इट इज, हम लेते, राइट। सो इन वेयर टैब आपको स्टोरेज लोकेशन देना होता है, लाइक मेरे को किस स्टोरेज लोकेशन में, प्लांट KL01 में मेरे को किस स्टोरेज लोकेशन में ये मटेरियल स्टोर करना है। सो मैं स्टोरेज लोकेशन 1 भी दे सकता हूँ, लोकेशन 2 भी दे सकता हूँ, मेरी जितनी भी पॉसिबल स्टोरेज लोकेशन है मैं उन्हें कोई सा भी दे सकता हूँ, राइट।
सो इन वेयर टैब यू विल सी दैट आइकॉन, दिस इज आइकॉन फॉर आइटम ओवर स्टॉक ओवरव्यू. सो नाउ यू कैन सी हाउ मच स्टॉक इज अवेलेबल फॉर मटेरियल इन्वेंट मेट टू. तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि ऑलरेडी कितना स्टॉक अवेलेबल है. तो ये स्टॉक ओवरव्यू के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक ऑन दैट, राइट. सो यू विल सी हियर जो आपने ऑर्डर किया है, जो भी आपने ऑर्डर किया है, दैट मींस आपने मटेरियल के लिए जितनी भी क्वांटिटी के लिए परचेस ऑर्डर क्रिएट किया है वो जाएगा आपका ऑन ऑर्डर स्टॉक में. सो वी हैव क्रिएटेड अ परचेज ऑर्डर फॉर 100 क्वांटिटी. तो जो 100 क्वांटिटी है वो जाएगी ऑन ऑर्डर स्टॉक में. नाउ व्हाट विल हैपन, जब मैं इसको पोस्ट कर दूंगा गुड्स रिसीव्ड को, तो ये जो ऑन ऑर्डर स्टॉक से हमारे प्लांट की स्टोरेज में आ जाएगा, ठीक है. तो वह मैं आपको करके दिखाता हूँ. अभी ये देखो ऑन ऑर्डर स्टॉक में है, एंड हेयर जो प्लांट की स्टोरेज है, यहाँ पर जो स्टॉक है वो अभी तक जीरो है, कोई भी स्टॉक नहीं है, राइट. सो गो बैक. राइट, देन इन परचेज ऑर्डर टैब, ये देखो ये है आपका परचेज ऑर्डर नंबर, राइट. सो ये है आपका डिलीवरी कंप्लीटेड इंडिकेशन पीओ आइटम. जब आपकी डिलीवरी पूरे 100 आइटम्स की जो आपने ऑर्डर किए थे, परचेज ऑर्डर जिनके लिए क्रिएट किया था, जब आपके डिलीवरी एड्रेस पर पहुंच जाएंगे एंड आप गुड रिसीप्ट कर लेते हो, देन दिस चेक मार्क विल बी दिस इन दिस बॉक्स विल बी चेक मार्क, ओके, डिलीवरी कंप्लीटेड इंडिकेशन पीओ आइटम, राइट. सो आप जो है यहां से परचेज ऑर्डर को अपने परचेज ऑर्डर को देख सकते हो. तो ये आपका परचेज ऑर्डर, इस पर आप डबल क्लिक करोगे, सो दिस इज माई परचेज ऑर्डर, राइट, फॉर मेटीरियल इन्वेंट मैट टू, 100 क्वांटिटी, 10 रुपीज. सो ये है मेरा परचेज ऑर्डर, राइट. सो इन परचेज ऑर्डर इन हेडर इन स्टेटस टैब यू विल सी ऑर्डर्ड 100, डिलीवर्ड 0, एंड स्टिल टू डिलीवर्ड इज 100, राइट. गो बैक. सो नाउ डू चेक, जब आप चेक करोगे तो जो आपके फील्ड रह गए हैं जो आपको मेंशन करने हैं वो आपको सिस्टम थ्रो करके देगा. लुक चेक, यू हैव नॉट फ्लैग्ड एनी आइटम एज ओके. सो आपको यहां पर चेक मार्क करना है आइटम ओके पे. नाउ चेक, नाउ डॉक्यूमेंट इज ओके. तो आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट. नाउ सी मटेरियल डॉक्यूमेंट दिस पोस्टेड. तो ये अगर मैसेज आ गया है, सो दिस इज अ प्रूफ कि आपका गुड्स रिसीव्ड हो गया है. गुड्स रिसीव्ड इज डन, राइट. देन व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू डिस्प्ले. सो आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, राइट. देन एंटर. नाउ सी, अर्लियर जब आपने स्टॉक ओवरव्यू चेक किया था, तो जो 100 क्वांटिटी था दैट वाज एन ऑन ऑर्डर स्टॉक. नाउ आफ्टर डूइंग अ गुड रिसीप्ट दिस इज गोइंग टू द स्टोरेज लोकेशन इन द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज. तो ये 100 स्टॉक अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के कॉलम में आ गया है. दिस इज इन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ KS01.
मिरेकल। तो प्लांट KL01 में ये स्टोरेज लोकेशन KS01 में 100 क्वांटिटी स्टोर्ड हो गई है, राइट, आफ्टर डूइंग अ गुड्स रिसीव्ड। सो आफ्टर डूइंग अ गुड रिसीव्ड देयर आर 5 अपडेशंस दैट विल हैपन, लाइक स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटेड इन MMR एंड इन परचेज ऑर्डर, हेडर स्टेटस अपडेटेड एंड इन परचेज ऑर्डर, आइटम डिटेल्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी अपडेट इन द परचेज ऑर्डर हिस्ट्री एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो जनरेटेड। What? Bro, what are you talking about, man? तो देख लेते हैं इसको वन बाय वन। ये देखो ये डॉक्यूमेंट आपके अपडेट होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेटेड इन MMR, इन PO हेडर स्टेटस इज अपडेटेड। ये आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं कि आफ्टर डूइंग गुड्स रिसीव्ड कौन कौन से फील्ड्स अपडेट होते हैं, राइट। सो ये हम वन बाय वन देखते हैं, राइट हम क्या करते हैं वन बाय वन देखते हैं। राइट तो ये देखो आपको मेंशन है एकदम अच्छे से नोट्स में, गुड्स रिसीव्स द गुड्स आर रिसीव्ड इनटू स्टोरेज लोकेशन अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। व्हाट इज द गुड्स रिसीव्ड? गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर इन द स्टोरेज लोकेशन। टी कोड इज MyGo, राइट, टी कोड इज MyGo, गुड रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर एंड द मूवमेंट टाइप इज 101। Right, then click enter, check the tabs like material, quantity, where tab, purchase order data and the partner. तो ये सारे tabs आपको check करने होते हैं, see here. So, ये आपके different tabs होते हैं like material, quantity, where, purchase order data and partner. तो ये आपको चेक करने होते हैं, लाइक मेरा मटेरियल राइट है, क्वांटिटी जितना लेके आए हैं वेंडर वो उतनी है या नहीं है, राइट। सो आपको कहाँ किस स्टोरेज लोकेशन में आपको किस प्लांट के अंदर आपको ये गुड्स रिसीव्ड करना है, परचेज ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आइटम ओवरव्यू में जाके स्टॉक ओवरव्यू में जाके अपना स्टॉक चेक कर सकते हो, पार्टनर टैब में वेंडर चेक कर सकते हो, राइट। सो चेक दैट टैब्स मटेरियल क्वांटिटी वेयर टैब परचेज ऑर्डर डेटा एंड द पार्टनर। सो क्लिक चेक, सेलेक्ट आइटम ओके, एंटर स्टोरेज लोकेशन, देन क्लिक पोस्ट, राइट। राइट सो फर्स्ट इज द मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। ये देखो आपको परचेज ऑर्डर टैब में जाना है। फर्स्ट यू सी इन द परचेज ऑर्डर डेटा टैब आइटम कैटेगरी दीज चेक बॉक्स आर चेक्ड, क्योंकि हमने 100 क्वांटिटी ऑर्डर की थी एंड 100 क्वांटिटी का ही हमने गुड्स रिसीव्ड कर लिया है, सो इट विल बी चेक मार्क। ओके डिलीवरी कंप्लीटेड इंडिकेटर, राइट। सो दिस इज द आइटम कैटेगरी चेक बॉक्स, सो बोथ आर चेक मार्क, राइट। सो ये आपका अपडेट हो गया, राइट। एंड सी जब आप डबल क्लिक करोगे परचेज ऑर्डर पे तो आप परचेज ऑर्डर पे आ जाओगे, परचेज ऑर्डर स्क्रीन पे आ जाओगे, देन सी इन द हेडर टैब, इन हेडर स्टेटस
ऑर्डर्ड इज 100, डिलीवर्ड इज ऑल्सो 100, स्टिल टू डिलीवर्ड इज 0, राइट। तो ये भी हमारा स्टेटस टैब इज ऑल्सो अपडेटेड इन द हेडर्स हेडर एरिया ऑफ द परचेज ऑर्डर। इज दैट ऑल राइट? सो परचेज ऑर्डर हेडर स्टेटस इज अपडेटेड, राइट, इन परचेज ऑर्डर आइटम डिटेल्स। सो ये हमारा परचेज ऑर्डर है, हेडर को हम कोलैप्स कर देते हैं एंड गो टू आइटम डिटेल टैब। आइटम डिटेल्स के जो टैब्स हैं, नाउ सी परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, अर्लियर जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हो तो ये टैब नहीं होता है, बट जब आप गुड रिसीव्ड कर लेते हो, डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है, देन दिस न्यू टैब इज जनरेटेड, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, एंड इन दैट सो इन दैट व्हाट्स दैट, आपने ये देखो डॉक्यूमेंट है, मूवमेंट टाइप है 101 इज मूवमेंट टाइप फॉर द गुड्स रिसीव्ड, ये आपका डॉक्यूमेंट मटेरियल का डॉक्यूमेंट है, पोस्टिंग डेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, सो ये आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट इन द परचेज ऑर्डर हिस्ट्री इज अपडेटेड, राइट। गो बैक, राइट, सो परचेज ऑर्डर में चलते हैं। नाउ सी दिस इज द मटेरियल, अगर आप मटेरियल पर डबल क्लिक करोगे तो आप मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड पर पहुंच जाओगे, डिस्प्ले ऑफ द मटेरियल मास्टर, राइट, डिस्प्ले ऑफ द मटेरियल दिस। सो ये देखो इन अकाउंटिंग वन व्यू व्हाट इज अपडेटेड, अर्लियर हमने क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया था, वैल्यूएशन क्लास, प्राइस कंट्रोल एंड मूविंग प्राइस, राइट। नाउ व्हाट इज अपडेटेड, टोटल स्टॉक इज अपडेटेड, टोटल वैल्यू इज आल्सो अपडेटेड। तो टोटल स्टॉक क्या है 100, एंड हमने पर पीस 10 का परचेज किया था, तो 100 इंटू 10 इज 1000, राइट। सो व्हाट इज अपडेटेड, स्टॉक क्वांटिटी एंड वैल्यू इज अपडेटेड इन MMR अकाउंटिंग वन व्यू, राइट, दिस इज ऑल्सो कवर्ड, राइट। नाउ मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, सो दिस इज जनरेटेड, जब आपने गुड्स रिसीव्ड किया था, जब आपने पोस्ट किया था, तो आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था, राइट। एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, नाउ सी वेयर इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेटेड, दिस इज द मटेरियल डॉक्यूमेंट। जब भी आप गुड्स रिसीव्ड करते हो, पोस्ट करते हो, तो ये नंबर आता है, राइट, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपका गुड्स रिसीव्ड डन हो चुका है, दिस इज द मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, राइट। सो द लास्ट वन इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड, नाउ सी गुड्स रिसीव्ड में जाना है, डॉक्यूमेंट इन्फो टैब में, and go to FI document, go to accounting document, now see आपको in accounting document ये दो documents updated हो गए हैं, right, like पहले जो आपने inventory raw material की purchase की है, this is of amount 1000,
100 पीसेस ईच ऑफ 10 रुपीस, सो इट बिकम 100 इंटू 10 1000, सो दिस इज अ ट्रांजेक्शन, दिस इज द करेंसी। सो यहां पर देखो दो अकाउंट जनरेट हो गए हैं, राइट, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। सो ये जो है ये है कि आपने किस वर्थ का मेटेरियल परचेज किया है, लाइक आपने 1000 रुपीज के वर्थ का मेटेरियल आपने परचेज किया रॉ मेटेरियल, एंड दिस इज जी आर आई आर क्लियरिंग अकाउंट, राइट। तो जी आर गुड्स रिसिप्ट और इनवॉइस रिसिप्ट का जो अकाउंट था दिस इज ऑल्सो फॉर 1000 रुपीज, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अपडेटेड, दिस इज ऑल्सो अपडेटेड, राइट। तो हमने कितना 100 का परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, 1 for each for 10 rupees, सो दैट इक्वल टू 100 चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। हाँ एक बात और, अगर जैसे अभी हमने इस मटेरियल के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, गुड्स रिसीव्ड क्रिएट किया, और हमने उसके अंदर स्टॉक ओवरव्यू का आइकॉन था इन द परचेज ऑर्डर टैब, तो उसके अंदर हमने अपना स्टॉक जो है देख लिया था। अगर हमको डायरेक्ट टी कोड से अगर देखना हो तो भी हम देख सकते हैं, एट एनी टाइम अगर हमको देखना है कि हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल, तो वो भी हम देख सकते हैं यूजिंग टी कोड MMBE, राइट। यहां पर आपको मटेरियल देना है, प्लांट देना है, स्टोरेज लोकेशन देखना है, स्टोरेज लोकेशन प्लांट एंड मटेरियल, एग्जीक्यूट नाउ, सी मिरेकल 100 क्वांटिटी इन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज एंड इन द स्टोरेज लोकेशन KS01, राइट। तो हम यहां से टी कोड यूज करके, MMBE टी कोड यूज करके भी हम चेक कर सकते हैं अपना स्टॉक ओवरव्यू, एंड आप गुड्स रिसीप्ट में डिस्प्ले में जाकर भी चेक कर सकते हो, राइट। एक बार दोबारा से हम क्रिएट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर, सेम क्वांटिटी ले लेते हैं 100, एंड इस बार क्या करते हैं प्राइस हम 10 की जगह 20 ले लेते हैं, राइट। चेक एंड सेव, दिस इज द परचेज ऑर्डर नंबर, नोट पैड में सेव कर लेते हैं, राइट। तो फिर से हम क्या करते हैं, गुड रिसीव्ड कर लेते हैं यूजिंग टी कोड माई गो, वेरी गुड मिगो। यहां पर आपको परचेज ऑर्डर नंबर देना है, तो यहां पर आपको अपना परचेज ऑर्डर नंबर देना है, दिस इज दिस वन, ये आपको डिस्प्ले से गुड्स रिसीप्ट सेलेक्ट करना है,
देन आपको यहाँ पर परचेज ऑर्डर नंबर देना है एंड मेक श्योर कि दिस मस्ट बी 101, राइट, मूवमेंट टाइप का आपका 101 रहना चाहिए फॉर द गुड्स रिसीव्ड. सो एंटर, डेटा इज कॉपीड फ्रॉम द परचेज ऑर्डर, मटेरियल क्वांटिटी वेयर परचेज ऑर्डर. सो इन वेयर टैब सी अभी कितना स्टॉक है. इन स्टॉक ओवरव्यू देखो 100 तो ऑलरेडी हमारा KS01 में है अवेलेबल, बट अभी हमने 100 और ऑर्डर किया है. सो दिस इज इन द ऑन ऑर्डर स्टॉक, दिस 100 क्वांटिटी इज इन ऑन ऑर्डर स्टॉक एंड दिस 100 क्वांटिटी इज इन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, राइट. सो जब हम गुड रिसीप्ट करेंगे तो ये जो 100 ऑन ऑर्डर स्टॉक है दिस विल कम इन द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन द स्टोरेज लोकेशन ऑफ द प्लांट, राइट. तो लेट सपोज कि इस बार जो वेंडर हैं वो 40 क्वांटिटी के साथ आए, राइट. तो वो अपने 40 क्वांटिटी को लेके आए हैं तो हम गुड रिसीप्ट भी 40 क्वांटिटी का करेंगे. तो हम यहां पर 40 एंटर करेंगे, राइट. नाउ चेक, यू हैव नॉट फ्लैग्ड एनी आइटम एज ओके. आप यहां से डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन भी ले सकते हो, लाइक मैंने पहले स्टोरेज लोकेशन 1 में स्टोर किया था, अब मुझे सेकंड स्टोरेज लोकेशन में इसको सेव स्टोर करना है. सो आई विल टेक स्टोरेज लोकेशन KS02, माय सेकंड स्टोरेज लोकेशन. जो आपका सेकंड स्टोरेज लोकेशन है वो आप ले सकते हो या फिर आप KS01 ही ले सकते हो. आइटम ओके, चेक, इट्स ओके, इट्स अ वार्निंग, पोस्ट. सो दिस इज अ साइन कि हमारा गुड्स रिसिप्ट हो गया है. सो मैटेरियल डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड, राइट. ठीक है, तो हम यहां से डिस्प्ले कर लेते हैं. डिस्प्ले, एंटर. सो आपको जाना है वेयर टैब में इन द स्टॉक ओवरव्यू. तो इसमें आप देखो, पहले हमारा 100 था इन द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन द स्टोरेज लोकेशन KS01 और ऑन ऑर्डर में 100 था. नाउ हमने 40 का गुड्स रिसिप्ट कर लिया है, नाउ 60 ऑन ऑर्डर में है एंड 40 कम इन द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द स्टोरेज लोकेशन KS02. तो KS01 का स्टॉक है अभी 100 एंड KS02 का स्टॉक है 40, राइट. सो दिस इज अपडेटेड. परचेज ऑर्डर टैब में ये देखो, हमने 40 का गुड्स रिसीव्ड कर लिया है लेकिन ये चेक मार्क नहीं है. जब तक हम टोटल अपना गुड्स रिसीव्ड नहीं कर लेंगे, जब तक ये चेक मार्क नहीं होगा आइटम कैटेगरी, राइट. सो गो टू परचेज ऑर्डर, डबल क्लिक. नाउ सी इन द हेडर टैब इन द स्टेटस, ऑर्डर्ड इज 100, डिलीवर्ड इज 40, स्टिल टू डिलीवर्ड इज 60 एंड दिस इज द प्राइस, राइट. एंड इन द आइटम डिटेल इन द परचेज ऑर्डर हिस्ट्री इट्स अपडेटेड, लाइक दिस इज अ मूवमेंट टाइप, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, मटेरियल डॉक्यूमेंट, दिस इज द पोस्टिंग डेट एंड दिस इज द क्वांटिटी. सो अभी तक हमने कितने क्वांटिटी का गुड्स रिसीव किया है, 40. सो दिस इज 40 हियर, 40 एंड 400.
राइट, सो गो बैक, राइट, एंड इन डॉक्यूमेंट इन्फो, FI डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर अपडेटेड. नाउ सी, दिस इज इन्वेंट्री. हमने 400 की इन्वेंट्री जो है रिसीव की है, 40 क्वांटिटी, 10 फॉर ईच 400, एंड दिस इज द GRIR अकाउंट फॉर 400. Right, so this is also updated. Accounting document is also updated. Right, लेकिन आपका purchase order data tab में item category update नहीं हुआ है. क्या 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 क्या? क्योंकि अभी तक हमने पूरा 100 quantity receipt नहीं किया है, 100 quantity का goods receipt नहीं किया है, so that's why it's not सेलेक्टेड. राइट, सो अभी हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग 60 है उसका भी गुड्स रिसीव कर लेते हैं. सो उससे पहले आपको ये दिखाता हूं मैं, मेटल मास्टर रिकॉर्ड इज ऑल्सो अपडेटेड. डबल क्लिक ऑन द मटेरियल, गो टू द अकाउंटिंग व्यू, सी टोटल स्टॉक इज 140, 100 हमने फर्स्ट टाइम लिया था, 100 हमने यहां पर लिया था, सेम मटेरियल. अभी हमने गुड रिसीव किया 40 का अंडर दिस परचेज ऑर्डर, सो टोटल स्टॉक इज 140, टोटल वैल्यू इज 1400, क्योंकि पिछले टाइम भी हमने 10 रुपए का पर पीस परचेज किया था एंड इस टाइम भी हमने 10 रुपए का पर पीस परचेज किया है. सो टोटल वैल्यू इज 1400 and moving average price is 10. Moving average price is nothing but total value upon total stock. So 1400 upon 140. 1400 divided by 140 is going to be 10. Right. So this is also updated. So हम क्या करते हैं, goods received कर लेते हैं for remaining 60 quantity. Goods received against peak purchase order this. Movement type must be 101. Enter. Now see. In the quantity it will show 60. क्योंकि 60 remaining है. अगर आप फिर से 30 अगर चाहते हो receive करना तो आप फिर से 30 कर सकते हो. लेकिन हम 60 रिसीव कर लेते हैं जो रिमेनिंग सारा है, क्योंकि वेंडर 60 पूरा लेके आए हैं. तो जितना भी वेंडर क्वांटिटी लेके आएंगे, आप गुड्स रिसीव जो करोगे माइगो में उतनी क्वांटिटी के लिए करोगे. राइट, सो एंटर, गो टू वेयर टैब. आप किसी भी स्टोरेज लोकेशन में इसको स्टोर कर सकते हो. अगर वन में करना है तो वन में कर सकते हो. अगर वन में करेंगे तो सी 160 हो जाएगा इन द स्टोरेज लोकेशन वन एंड 40 हो जाएगा इन द स्टोरेज लोकेशन टू. तो हम वन में ही कर लेते हैं. आइटम ओके. नाउ सी स्टॉक ओवरव्यू, व्हाट इट इज, 60 इन ऑन ऑर्डर स्टॉक, 100 इज इन स्टोरेज लोकेशन वन एंड 40 इन द स्टोरेज लोकेशन टू. जब मैं अभी गुड रिसीव पोस्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 160 एंड ये हो जाएगा आपका 0. सी चेक पोस्ट. राइट, सो आप डिस्प्ले में जाके देखते हैं
गो टू डिस्प्ले, एंटर, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर ही आता है, राइट। अगर आपको पुराने वाले का देखना है तो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा डॉक्यूमेंट नंबर, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। सो नाउ सी, दिस मटेरियल, दिस क्वांटिटी, राइट, दिस स्टोरेज लोकेशन, वैल्यूएशन मूवमेंट टाइप 101, ओके, एंड इन द अनरिस्ट स्टॉक टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, राइट। सो अब आप चेक करोगे अगर स्टॉक ओवरव्यू, नाउ सी इट्स बिकम 160 एंड इट्स बिकम 40, ऑन ऑर्डर इज जीरो, राइट। ठीक है, और क्या क्या अपडेट हुआ होगा इन द परचेज ऑर्डर, डबल क्लिक, फर्स्ट सी इन द परचेज ऑर्डर डेटा टैब, आइटम कैटेगरी इज सेलेक्टेड, क्योंकि 100 की 100 क्वांटिटी जो हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था, उस 100 की 100 क्वांटिटी को हमने रिसीव्ड कर लिया, सो दिस इज चेक्ड, राइट। एंड इन परचेज ऑर्डर स्टेटस टैब इन द हेडर, ordered 100, delivered 100, still to delivered 0, and अगर आप चाहते हो Metal Master record में accounting view में, तो आप वहां पर देख सकते हो total quantity and total value is updated, total quantity become 200, total value 100 into 10 first time, second time also 100 into 10, it's become 100 into 10, 1000, and for this purchase order also, first 40 into 100, 40 into 10, and the next time, it's 60 into 10. It's 600. So total become 1000 plus 1000, 2000. Now see here, 2000. And moving price is 2000, means total value divided by total stock. So it will become 10. So aap jitni bar goods received karoge, विद डिफरेंट प्राइस इन द परचेज ऑर्डर, आपका मूवमेंट प्राइस, मूविंग प्राइस चेंज होता रहेगा, राइट। एंड टोटल स्टॉक, टोटल वैल्यू, ये भी आपके अपडेटेड होते रहेंगे। तो इन अकाउंटिंग व्यू, मूविंग प्राइस इज अपडेटेड, टोटल स्टॉक अपडेटेड, एंड टोटल वैल्यू इज ऑल्सो अपडेट, राइट। एंड सी इन परचेज ऑर्डर डिटेल टैब, in the purchase order history tab, how many document? Two document. First is for 40 quantity and 25th January, and second is also 60 quantity on 25th January, right. This is the price, right. And in the document info, financial document, accounting document is also updated. Two accounts, one is for inventory and second is for the goods received, right. सो अगर आपको आपका मटेरियल का स्टॉक देखना है तो आप यहां से देख सकते हो, राइट। एंड अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन सी पोस्टिंग की हैं आज की डेट पे,
तो वो आप देख सकते हो यूजिंग टी कोड MB51 राइट हेयर यू कैन सी आपको क्या क्या एंटर करना है। अगर आपको इस प्लांट के लिए देखना है एंड पोस्टिंग डेट, लेकिन आज का देखना है आपको 25 जनवरी, तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूट नाउ सी। जितनी भी पोस्टिंग आपने KL01 प्लांट के लिए की हैं ऑन द 25 जनवरी, इट्स शोइंग। वाह हमने पहले 60 किया था, ये मैंने पहले किया है, ये जो मैंने अभी क्लास के टाइम पे किया है फोर मटेरियल इन्वेंट मैट 2 KS01 मूवमेंट टाइप 101, दिस इज द डॉक्यूमेंट मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, दिस इज द डेट, 100 क्वांटिटी ईच। उसके बाद फिर हमने 40 क्वांटिटी का किया था, देन हमने 60 क्वांटिटी का किया था। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री देख सकते हो सारी पोस्टिंग्स की। तो आपको स्टूडेंट धर्मा में भी आपको यही सेंड करना है, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करना है मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट। बन जाएगा। सेंड कहाँ करना है? टेलीग्राम ग्रुप पे करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे जाओ उसको ज्वाइन करो। ऑलरेडी सीरियस एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, अगर आप भी अपने आप को सीरियस एस्पिरेंट्स मानते हो तो जाओ एंड ज्वाइन करो राइट। सो आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा ये स्क्रीनशॉट्स मेरे को भेजने हैं राइट। सो यूज टी कोड MB51, आपको पोस्टिंग डेट एंटर करना है, प्लांट एंटर करना है, उस डेट की जितनी भी पोस्टिंग्स होंगी वो आपकी ओपन हो जाएंगी, जो मैंने आपको भी दिखाया था लाइक दैट राइट। तो ये मेरे को आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे। पहले आपको लेक्चर दोबारा से देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 परचेज ऑर्डर क्रिएट करने हैं आपको, 10 गुड्स रिसिप्ट करना है, जिनका परचेज ऑर्डर करोगे आपको उनका गुड्स रिसिप्ट करना है। एंड सारे अपडेशन देखने हैं आपको, ऑब्जर्व करने हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद मेरे को स्क्रीन शॉट भेजना है MB51 राइट। तो मेरे को MB51 का स्क्रीन शॉट भेजना है, कहाँ भेजना है? ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, सर्वर आपने परचेस किया है? नहीं क्या नहीं किया? तो करो ना, सर्वर परचेस करो। और अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना है फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ 400 फॉर फर्स्ट मंथ, उसके बाद हम 350 कर देंगे पर मंथ का राइट। तो मुझे बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, वो मुझे बताओ, वहां जाके बता सकते हो। लेकिन चलो मैं यहाँ पे भी पिन कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे वहां जाके बता सकते हो अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर परचेज करना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लर्नर हो तो आपको डेडिकेटेड सर्वर पर ही प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो डेडिकेटेड सर्वर पर ही आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेडिकेटेड सर्वर पर ही प्रैक्टिस करो राइट। सो दिस इज माई नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हो कि आपको डेडिकेटेड सर्वर खरीदना है। आप 24 आवर्स डेमो ले सकते हो, डेमो इज टोटल कंप्लीटली फ्री राइट। बेसिकली ऑनलाइन सर्वर में और डेडिकेटेड सर्वर में फर्क क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ जी, दोनों अलग अलग होते हैं। फर्क ये होता है कि जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं उसकी सर्वर स्पीड अच्छी होती है, इतने वर्क्स नहीं आते उसके अंदर, इतने एरर्स एंड बग्स नहीं आते। जो एरर आने चाहिए, जो कि आपको सीखने भी चाहिए, वही एरर आपके आते हैं। ऐसे बग्स नहीं आते हैं जो कि सिर्फ वेबसाइट से ही फिक्स किए जा सकते हैं, तो ये भी बहुत कम आते हैं।
एंड उसकी स्पीड अच्छी होती है, आपको रियल टाइम फील आता है, एंड लाइक ऑनलाइन सर्वर की तरह डेडिकेटेड सर्वर के डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता। लाइक जितने हमारे स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ वही उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज क्या होता है कि डेटा को ऑल ओवर इंडिया वही यूज़ कर रहे हैं लोग सर्वर, तो डेटा को जो स्टैंडर्ड डेटा है उसको चेंज कर देते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से भी एरर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। राइट, तो आप मेरे को बता सकते हो, आप वैसे यूजली भी अगर आप ऑनलाइन सर्वर परचेज करने जाते हो तो अच्छे सर्वर्स आपको 1300 to 1500 थ्री मंथ्स के लिए मिलते हैं, तो मैंने डेडिकेटेड सर्वर के लिए कॉस्ट उससे भी कम रखी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उससे भी कम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड किया जाए। राइट, सो फर्स्ट मंथ 400 रहेगा चार्जेस, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं आप अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस करो अगर वो ले सकते हैं तो मैं ट्राई करूँगा आपको 350 देने का नेक्स्ट मंथ से। राइट, सो मैं 150 यूजर्स के लिए मैंने प्लान किया है, परचेज कर रहा हूँ। आपको मेरे को फटाफट आके बताना है एंड प्रैक्टिस करो यार, नहीं तो ये बर्डन होता जाएगा लेक्चर्स का एंड स्टूडेंट धर्मा का। प्रैक्टिस करो और मेरे को सेंड करो, और कुछ भी डाउट आता है तो मेरे से पूछो आगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो नंबर है, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू लर्नर हो, अगर आप जो है मेरी वीडियोस से ही सीख रहे हो तो डेडिकेटेड सर्वर पर ही प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आपको इतने ज्यादा एरर्स आएंगे यार ऑनलाइन सर्वर में कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। राइट, सो आप मेरे को बता सकते हो मैसेज करके। और बेस्ट वे है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाओ, कि वहां पर आप मेरे से कभी भी डाउट पूछ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से डाउट्स पूछते हैं मैं उनको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उनको तुरंत उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो प्रैक्टिस करो यार, डाउट्स तो आएंगे ही, डाउट्स आते हैं तो पूछो मेरे को। राइट, सो थैंक यू गाइस लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मेरा एफर्ट्स पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने एसएपी ग्रुप में सेंड करो। राइट, एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अदरवाइज केजरीवाल सर रिक्वेस्ट करो इनसे तो करना। राइट, सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।